हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोडक्ट आया जो कि ओनली 50 रुपीज़ का है। इसके अंदर एक माउस है और मैं आपको इसका अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और इसमें किस तरह की क्वालिटी सब कुछ मैं आपको रेडी में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कुछ हमारा एड्रेस है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने से पहले मैं आपको एड्रेस जो है हाइड कर देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके अंदर कौन सा माउस है क्या नहीं, मैं आपको यहाँ पर सभी बातें आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो सबसे पहले इसमें ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर है, इसका यहाँ पर प्राइस यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, 99 रुपीज़ है। तो इसका मैंने यहाँ पर पे किया है ओनली 40 रुपीज़। 49, ओके, पर आपको दिख रहा होगा 49 रुपीज़ यहाँ पर मैंने पे किया है। ओके, तो इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन यहाँ से हो गया और इसके अंदर आप देख सकते हो ये है हमारा माउस। ओके, ओनली 40 रुपीज़ का है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये ओनली 40 रुपीज़ का है। ओके, ओनली 40 रुपीज़ का। और इसका क्वालिटी भी हम देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो डेल कंपनी का है, अच्छा है, ब्रांड अच्छा है। और ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने ऑर्डर किया था शॉपी से। शॉपी जो एक ऐप है जिसके द्वारा आप यहाँ पर जो है बहुत कम दाम में यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर कि इसमें एक सेल चलती है जिसमें आपको 4 बजे, 8 बजे और 12 बजे कुछ यहाँ पर सेल चलती है, जिसमें आप जो है आप यहाँ पर से जो है 9 रुपीज़ में आप यहाँ पर प्रोडक्ट 9 रुपीज़ में यहाँ पर इस प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ओके, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर बाय कर सकते हो। ओके, तो अब इस माउस का क्वालिटी अच्छा होगा तो हम इसे बाद में टेस्ट करेंगे और फिर बाद में इसे यूज़ करके देखेंगे। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।